और टेंथ क्लास के बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, सब मौज बाहर, कोई दिक्कत? तो कल मेरे पास एक दो बच्चों का मैसेज आया टेंथ क्लास के कि सर हमारे लिए भी कुछ करा दो थोड़ा बहुत। तो देखो पूरा पूरा तो मैं नहीं करा पाऊँगा इस समय, क्योंकि घर पर बैठे हैं तो पूरा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ऐसे रोज़ मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ, फिर भी कोशिश मेरी जारी है और जितना भी हो सकता है मैं आप लोग को करवाने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि ये जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे की क्लासों के। तो टेंथ क्लास के बच्चों, हम शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई। सबसे पहले आज ना हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम सिर्फ सिलेबस के बारे में जानते हैं, ठीक है? पहले इंट्रोडक्शन हो जाना ज़रूरी है। तो ऐसा है, पहले हम सिलेबस पढ़ते हैं और उसके बाद हम करते हैं। तो आज की क्लास में हम अपना सिलेबस देखेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम में से किसके किसके पास किताबें हैं? सर अभी तो हम लोग के पास किताबें हैं नहीं। अच्छा अभी आप लोगों के पास किताबें नहीं, तो एक काम करो ना, अभी तो दुकानें खुल रही हैं दिन में थोड़ी देर के लिए, तो जितने देर के लिए खुल गई तब तक मैथ्स की किताब खरीद लो, और सब्जेक्ट की खरीदो ना खरीदो मैथ्स वाली की बुक्स खरीद लो ताकि आपकी पढ़ाई में बाधित ना हो। एक कॉपी भी ले लेना, कोई भी रफ कॉपी ले लो, ठीक है? एक अच्छे से कॉपी रख लो और कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। पहली बात तो ये कि ये अच्छी बात है कि आप लोग घर से नहीं निकल रहे, ये बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन में घर में ही रहना ज़्यादा उचित है। फिर भी अगर घर में कोई कॉपी है तो उसी कॉपी से काम चलो, घर से ना निकलो कॉपी खरीदने के लिए, ठीक है? घर में तो कॉपी होगी, नाइन्थ क्लास की कॉपी पड़ी होगी, उसमें लिख लो उसमें बना लो। इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है? जब तक लॉकडाउन है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप लोग के पास किताबें हो जाएंगी कॉपी हो जाएंगी तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? और एक बात और, एक मेरा और चैनल है यूट्यूब पर, उस चैनल पे पढ़ने के लिए पहले आपको फिर कुछ फीस भी पे करना पड़ेगा, ठीक है? जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तो कोई बात नहीं, देख लो वीडियो और पढ़ लो कुछ। लॉकडाउन खुलने के बाद क्योंकि आप लोग के पास बाध्यता नहीं है होम टू स्टडी करने के लिए, स्टडी टू फ्रॉम होम करने के लिए, घर से पढ़ने के लिए आप लोग आ सकते हो, कोचिंग पे आ सकते हो, अपने स्कूल जाओगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल से जाओगे, जहाँ 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 जो जो आप लोग का स्कूल है तो स्कूल में पढ़ोगे। अगर आप लोग को लगे कि कोचिंग आना है तो आप लोग कोचिंग आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मेरी कोचिंग का एड्रेस आप लोग को मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। फ़ोन मत करना, कोई सा भी फ़ोन मत करना, व्हाट्सअप कर सकते हो। जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर है यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर देना, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ठीक है? एक बार मैंने स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ अपना नंबर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक? तो मेरे टेंथ क्लास के विद्यार्थियों जो अब टेंथ क्लास में पहुँचे हैं,
पहले हम सिलेबस की बात करें, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ, ठीक है? मैथ में जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है रियल नंबर। हिंदी में कहते हैं हम इसको वास्तविक संख्याएं। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर है वो है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स मतलब बहुपद। जो तीसरा चैप्टर है वो है लीनियर पेयर ऑफ, सॉरी सही तो था यार, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीन चैप्टर हो गए ना, मैं बोर्ड पूरा दिखा नहीं पाऊंगा इसलिए मैं इसे ज़्यादा लिख नहीं सकता। ये तीन आप लोग लिख ले, आप लोग के मैथ का तीन चैप्टर है। पहला चैप्टर है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर लिखेंगे, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो वास्तविक संख्याएं लिखेंगे। दूसरा चैप्टर आप लोग का क्या है, पॉलीनोमियल बहुपद। तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे आते हैं, जो आप लोग का चौथा चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर है वो है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। अर्थमैटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर है ट्रायंगल्स, त्रिभुज, सातवां चैप्टर है क्वाड्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ये उतार लिया आप लोगों ने, उतार लिया इसे वीडियो को पॉज करके एक बार। आगे बढ़ते हैं, आठवां चैप्टर है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री।
त्रिकोण में नवा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। दसवां चैप्टर है सर्कल वृत्त। पढ़ लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। नौवां चैप्टर है, सॉरी ग्यारहवां चैप्टर ना, ग्यारहवां चैप्टर है कंस्ट्रक्शन रचनाएं। बारहवां चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तेरहवां चैप्टर है एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल तथा आयतन, क्षेत्रफल तथा आयतन, यानी इतना उतार लें। वीडियो को पॉज करें, इसे उतार लें। देखिए चौदहवां चैप्टर है स्टैटिक्स संख्यांकी, संख्यांकी। और लास्ट पंद्रहवां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो कुल ये 15 चैप्टर है, ठीक। इन 15 चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, बहुत ही आसान है 15 चैप्टर को पढ़ना, बहुत ही इजी है। हम ऐसा करते हैं आज की क्लास में ना थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें से सबसे आसान चैप्टर ना ये प्रायोरिटी वाला है। तो कम वीडियो में हम ये प्रायोरिटी आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। छोटी सी क्लास हो जाएगी एक, आप लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, प्रायोरिटी पढ़ते हैं, ठीक है। ये उतार लिया है, हम प्रायोरिटी करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ऐसा कीजिए कॉपी में हेडिंग डालिए आप लोग प्रायिकता, प्रायोरिटी। नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रायिकता क्या होता है, क्या होती है प्रायिकता, बताइए जल्दी बताइए क्या होती है प्रायिकता, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूँ। देखिए प्रायिकता क्या है, संभावना है, चांसेस, पॉसिबिलिटीज, कोई भी चीज होने की। अब बहुत ताजा एग्जांपल लॉकडाउन, अब 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, चांसेस पॉसिबिलिटीज, खुल भी सकता है नहीं भी खुल सकता है, तो 50-50% चांसेस हो गए कि 50% है कि खुल भी सकता है और 50% चांस है कि नहीं भी खुल सकता है। तो ये जो चांसेस हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं हम प्रायिकता, ठीक। पढ़ना क्या होता है प्रायिकता में, सबसे पहले तो आप लिखें, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाएं। किसी भी घटना के
किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। चांसेस इंग्लिश मीडियम वाले लिखे, चांसेस टू हेल्ड एनी इवेंट, चांसेस टू हेल्ड एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे सिक्के उछालने पर हेड कान या टेल कान, ये घटना है, इस घटने के कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा, कितने चांसेस हैं कि टेल आएगा, ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम PE से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम? PE से। हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखें, लिखें इसे, बनाए यहाँ लिखें ऊपर, अनुकूल संभाव्य, अनुकूल संभाव्य की संख्या, अनुकूल संभाव्य की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, इंग्लिश में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और नीचे लिखें यहाँ पर, ये अपॉन हो गया ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केसेस, अनुकूल संभाव्य की संख्या बटे में कुल संभाव्य की संख्या। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अनुकूल संभाव्य की संख्या बटे में कुल संभाव्य की संख्या, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केसेस। अगला लाइन लिखें, जो इवेंट होती है वो टू टाइप्स की होती है। इवेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं इवेंट्स, टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। हिंदी मीडियम वाले लिखें घटना, जो घटना होती है वो दो प्रकार की होती है, एक संभाव्य एक असंभाव्य, मतलब जो हो ही नहीं सकता, और संभाव्य जो हो सकता है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि लाल कलर की बॉल है, आप उसमें से एक बॉल निकालो तो लाल कलर की होगी, तो संभाव्य है, लेकिन आप उनमें उसमें से एक बॉल निकालो हरे रंग का हो जाए, आपके पास है ही लाल कलर के, हरे रंग का बॉल है नहीं, आप उसमें से एक बॉल निकाल रहे हो और वो हरे रंग का हो, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, असंभाव्य। जो पॉसिबल होती है, जो संभाव्य घटना होती है, इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है वन, और जो असंभाव्य होती है इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है जीरो। संभाव्य की प्रायिकता कितनी होती है? वन, और असंभाव्य की प्रायिकता जीरो। तो हम कह सकते हैं, उतार लिया आपने, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से लेकर के एक के बीच होती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से लेकर के एक के बीच होती है, मतलब प्रायिकता जीरो से छोटी नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकता, और प्रायिकता एक से बड़ा नहीं हो सकता। अगली लाइन में ये लिखे कि प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, जीरो से एक के बीच में, लिख लिया। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, मतलब कुल प्रायिकता, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता कितनी होती है?
एक, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है एक, कोई भी चीज या तो होगा या तो नहीं होगा, तो होने को हम पी ई दिखा सकते हैं और ना होने को हम पी ई नॉट दिखा सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आता है, क्या आता है, इतना उतार लिया आप लोगों ने, तो इतना यार रहने देते हैं आज के लिए, इतना ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से हम रेगुलर और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कल मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसे उतार लो, आज छोटी सी वीडियो ही बनाई क्योंकि आज शुरुआत कर रहा था मैं, तो आज आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया। कल से लगभग लगभग नहीं भी तो कम से कम 40-45 मिनट का आपका ये लेक्चर होगा, तो कल से हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कल मैं होमवर्क भी दूंगा पूरा समझ, ये तो सारे फॉर्मूले लिखवा दिए तो कल मैं फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, आज आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके बार बार लिख लें, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और कल ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे, और कल में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कुछ छोटा सा चैप्टर, छोटा छोटा चैप्टर्स में करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो चैप्टर में लॉकडाउन खुलने के बाद करवाऊँगा, ठीक है, या आपने पेड चैनल पे करवाऊँगा, मेरे पेड वाले पेड चैनल पे आप लोग जाइएगा, उस पर आपको पैसा जमा करना हो और फिर, लेकिन पेड चैनल भी अभी नहीं खुलेगा, पेड चैनल खुलेगा लॉकडाउन के बाद। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।